ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा दिख रहा। सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत स्वागत हमारे एक और नए ब्लॉग पे। तो आज के दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन मान लो, एक तो मतलब 2021 का सबसे बड़ा दिन, क्योंकि आज आने वाला है CBSE का रिजल्ट। आपको बताया होगा कि CBSE क्लास 12 की एग्जाम कैंसिल हो चुकी है। तो मेरी कल सुबह से तबीयत खराब है, बारिश में थोड़ा भीग गया था, उसके बाद से मेरे को जुकाम उससे दिलाया हुआ है और बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रखी है। अब देखते हैं आज क्या होने वाला है। वैसे ब्लॉग बनाने का कुछ मन तो नहीं था, पर किसी ने बोला कि बना बना बना, तो चलो ठीक है बना लेते हैं ब्लॉग। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अंदर में बहुत एक्साइटमेंट भी, देखते क्या होता है, और तबीयत भी बहुत ख़राब है पहले से ही, और ये तो और टेंशन आ गया है रिजल्ट का। तो देखना अभी ये है कि क्या होता है, उसके बाद मैं आप लोग बता दूंगा कि अभी क्या रिजल्ट आया मेरा। ये छुपाने का कोई फ़ायदा तो नहीं है कि एक नए दिन तो सबको पता चल जाना है। तो मेरे को मतलब ये आज बात पता चल रही है सुबह में ही कि आज रिजल्ट आने वाला है। मुझे मतलब इतने दिनों से अपने धुन में था, वीडियोस बना रहा था, हर जगह घूम रहा था, तो आज जाके पता चला है सुबह सुबह कि आज रिजल्ट आने वाला है 2 बजे। तो इस वीडियो में आगे बने रहिए, आप लोगों को मेरा पता चल जाएगा रिजल्ट। वैसे भी आज के दिन बहुत लोगों के मैसेज आने वाले हैं, तो जो भी पूछेगा कि क्या रिजल्ट आया तेरे को, उन लोगों को ये वीडियो का लिंक सेंड कर दूंगा कि ये देख लो मेरा रिजल्ट क्या है। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, अभी बज रहे हैं 11 और देखते हैं अभी 2 बजे का टाइम है रिजल्ट का, तो मैं आप लोगों को सब बता दूंगा। और अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर में, तो इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिए। भाई तबीयत बहुत ख़राब है, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो अभी देख सकते हो काफ़ी तेज़ बारिश होनी स्टार्ट हो गई है। आज शायद मौसम को भी पता है कि मेरा रिजल्ट आने वाला है। तो अभी टाइम हो रहा है 1:30 और अभी मैं मतलब दवाई खा के नहा के सो गया था 1 घंटे के लिए, और अभी मैं तुरंत उठाऊँ, अभी बस आने वाला रिजल्ट। और सब बोल रहे हैं कि वेबसाइट क्रैश होगा, तो वो तो हर बार होता ही है। तो रिजल्ट देखता हूँ कब तक मेरे को मिल जाता है, मैं आप लोगों को बता दूँगा। आप लोगों को बता दूँ कि मेरे 10th में आए थे 71% आई थी मेरी, और अभी 12th का तो पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते, देखते हैं अभी क्या होगा। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। तो अभी टाइम हो रहा है 2:30, मुझे पता नहीं क्या आने वाला है रिजल्ट, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, सारी वेबसाइट बंद हो रखी है। मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर सोने के लिए, आधा घंटा सो जाऊँगा तो माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर देखते हैं उसके बाद क्या आएगा रिजल्ट। अभी टाइम हो रहा है 2:30, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, मतलब सारी वेबसाइट बंद हो रखी है, और ये लोगों के मैसेज, फ़ोन अपना बंद कर रहा हूँ आराम से, आधे घंटे के लिए सो रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। 2000 years later। तो अभी मेरा आ चुका है रिजल्ट, मतलब जिसकी उम्मीद थी वही हुआ। अभी मैंने आप लोगों को बताता हूँ अपने नंबर कितने आए, मतलब 76 है इंग्लिश में, फिर हिंदी 79, 70 फिर इकोनॉमिक्स, फिर 77 है, ये कौन सा सब्जेक्ट है यार, 77 है, ये कौन सा सब्जेक्ट था, भूल गया, ये सब्जेक्ट भी याद नहीं हो रहा। फिर अकाउंट्स में 50 के पास आ गया मैं, फिर फिजिकल एजुकेशन में पहुँच जाता हूँ 75, और ये हाँ बिजनेस स्टडीज़ में है 77। तो कुछ ऐसे नंबर है, मतलब कि अप्रोक्स ये 70% तो बन जाएगा आराम से। तो मतलब जिसकी उम्मीद थी मेरे को जो लग रहा था वही हुआ, कि मैंने पहले सोचा था कहीं कि मेरे 70 आएंगे इस बार भी 12th में भी, और वहीं आए 70। तो अब देखना है आगे हमारी ज़िंदगी कैसे बीत रही है, आप लोगों को पता चल जाएगा ब्लॉग में। इसी के साथ आज इस ब्लॉग का करते हैं एंड। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ अपनी दादी को प्रणाम करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, फिर अपने घर वालों को फ़ोन करूँगा कि मैं पास हो गया। ओहो दादी, मैं पास हो गया। हाँ अच्छा दादी, फोन कर, हाँ कर रहा हूँ अभी। तो अभी दादी माँ मेरे नंबर सुन के, मतलब कि मैं पास हो गया, ये सुन के थोड़ा इमोशनल हो गई, तो वो वीडियो मैंने शूट ही नहीं किया कुछ भी। तो अभी मैंने अपने घर वालों को फ़ोन करके बता दिया कि मेरा आ चुका है रिजल्ट, मैं हो चुका हूँ पास। भाई आज तो मतलब ऐसे ऐसे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, जिन लोगों का नंबर व्हाट्सएप पे सेव भी नहीं है, वो पूछ रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज करके क्या है रिजल्ट। ये बात बहुत ज़्यादा गलत है, मतलब जिन लोग पूरे साल याद नहीं कर रहे और रिजल्ट वाले दिन सब याद कर रहे हैं। तो जिन लोगों के भी अच्छे नंबर आए हैं, मतलब ऑलमोस्ट लोगों के अच्छे नंबर आए, और इस बार तो मतलब 98% बच्चे पास हुए हैं CBSE के बोर्ड से, जो भी है 98% तक बच्चे पास हुए हैं, तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा। तो इसी के साथ आज इस वीडियो करते हैं एंड। और हाँ, अगले अगर 4-5 दिन तक ब्लॉग्स ना आ पाए तो कुछ सोचिएगा मत ऐसा कि क्यों डाल रहा है ये ब्लॉग्स, क्योंकि मेरी तबीयत आप लोगों को पता ही ख़राब हो रखी है। तो ओके, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे 4-5 दिन में ही जल्दी से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो नचिया।